बॉलीवुड सितारों से लेकर क्रिकेटर्स तक सेलिब्रिटियों को अपनी महंगी गाड़ियों का शौक भी होता है। फिल्मी सितारे अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। हालिया वक्त में दक्षिण भारतीय अभिनेता अपनी महंगी कार खरीदने को लेकर खासी चर्चा में रहे हैं। इस लिस्ट में ऐसे कई अभिनेता शामिल हैं जिनके पास एक से एक महंगी कारें हैं। हाल ही में जूनियर NTR ने कुछ दिनों पहले तक एक ऐसी कार खरीदी है जो पूरे देश में उनके अलावा किसी के पास नहीं है। वो पहली कार है जो भारत में किसी शख्स के पास है। फिल्म बाहुबली के स्टार प्रभास अपनी फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस लेते हैं। साथ ही वो अपने स्टाइल और शौक को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अपनी फिल्मों की अपार सफलता के बाद उन्होंने रोल्स रॉयस फैंटम जैसी सबसे महंगी कारों में से एक खरीदी है। इस कार को कस्टमाइज करने के बाद इस कार की कीमत 8 करोड़ बताई जाती है। साउथ के सितारों में सबसे महंगी कार प्रभास के पास ही है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में रामचरण एक बहुत बड़ा नाम है। वो कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। वो फिल्मों में साथ साथ सफल प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन भी हैं। रामचरण के पास एक से बढ़कर एक महंगी कारों का सुपर कलेक्शन है। रामचरण ने हाल में रेंज रोवर बायोग्राफी कार खरीदी है। इस कार की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है। तेलुगु सिनेमा में नंदमूरी तारक रामाराव जूनियर यानी जूनियर NTR एक नाम जाना माना है। उनकी फिल्में सिर्फ उनके नाम पर चलती हैं। अभी हाल में NTR ने एक बेहद शानदार और महंगी लेम्बोर्गिनी कार खरीदी है। ये लेम्बोर्गिनी कार पूरे देश में इकलौता मॉडल है जो जूनियर NTR के पास है। उन्होंने लेम्बोर्गिनी का यूरस ग्रेफाइट कैप्सूल एडिशन खरीदा है। इस कार को लेम्बोर्गिनी स्पेशल डिमांड पर NTR के लिए लेकर आई है। उसकी कीमत 3.75 करोड़ रुपए है। साउथ के आइकॉनिक यानी महान कलाकारों की लिस्ट में सुपरस्टार चिरंजीवी का नाम आता है। उनके पास एक से एक महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं। उनके पास महंगी गाड़ियों में से एक रोल्स रॉयस फैंटम है जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं अभिनेता महेश बाबू अपनी एक्टिंग और क्यूट पर्सनैलिटी के कारण पसंद किए जाते हैं। उनके पास दुनिया की मशहूर SUV रेंज रोवर कार है। इस महंगी कार की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है।